हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं खुसरे का साग, जो कि बहुत ही अच्छी रेसिपी होती है। ये साग की बहुत ही इजी से बन जाती है ये साग। देखिए, खुसरे का साग को हम इस तरीके से अच्छे से साफ करके इसको इस तरीके से काट लेंगे। देखिए मैं किस तरीके से काट रही हूँ, सारे साग को इस तरीके से अच्छे से काट लेंगे। देखिए मैं किस तरीके से काट रही हूँ, सबको इस तरीके से काट लेना है। फिर हम खोसले का साग बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं एक कढ़ाई ले लेती हूँ, फिर उस पर तेल डाल दूंगी। तेल गर्म होने के बाद मैं बारी को भून लूंगी, अच्छे से फ्राई कर लूंगी। देखिए मैं चार बारी को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ और ये फ्राई हो चुकी है। मैं इसे एक कटोरे में निकाल लूंगी। फिर इस तेल में प्याज डाल दूंगी और ये प्याज फ्राई हो रही है। फिर मैं इस पे कटी हुई मिर्च रखी हूँ, जो कि सूखी मिर्च, इस पे डाल दूंगी। फिर पांच फोरन डाल दूंगी, जो कि इसमें काली मिर्च, मेथी, सौंफ, जीरा और कलौंजी होती है। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो रही है और ये ब्राउन कलर हो चुकी है। अब मैं इस पे बैगन काट के रखी हूँ, इस पे बैगन और आलू भी काट के रखी हूँ, इस पे डाल दूंगी बैगन और आलू। देखिए मैं आलू भी डाल रही हूँ और इन सबको अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए आलू डाल रही हूँ, और फिर मैं इस सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फिर थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी, ताकि सारी नमक अच्छे से मसाले पे चले जाएं। फिर मैं खोसले का साग रखी हूँ, उसे डाल दूंगी अच्छे से। इसको मैंने धो के रखा था, अब मैं इसे अच्छे से डाल दूंगी सारे खोसले के साग को। देखिए मैं सारे साग को अच्छे से डाल रही हूँ। फिर इस सबको अच्छे से मिक्स करूंगी, ताकि ये अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो जाए। देखिए मैं इसे धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ और अब इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रख दूंगी। फिर 5 मिनट के बाद इसे देखिए मैं खोल रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से गल चुके हैं सारे साग। देखिए बहुत ही अच्छे से गल चुकी हैं सारी साग। अब मैं इस पे बरी डाल दूंगी, जो मैंने पहले भून के रखा था। इसको अच्छे से मैंने बारीकी से अच्छे से कूट लिया था। फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी सबको। फिर मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी, ताकि सारी साग अच्छे से गल जाएं। और देखिए ये साग बनके रेडी है, और इसे सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनता है। थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।